वेलकम करता हूँ जितनी भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो सबको वेलकम है। और आप लोग को जानते हैं कि रेगुलर क्लास चल रहा है, रेगुलर वीडियो आता है, शायद ही कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे आपके वीडियो न डल पाता हो, लेकिन फर्स्ट ईयर का रेगुलर वीडियो आ रहा है। तो जो पढ़ने वाले हैं, उम्मीद है कि वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे और अपना नोट्स भी बना रहे होंगे। जो हिंदी में है हिंदी में बना रहे होंगे, जो इंग्लिश है इंग्लिश में बनाइए, ठीक है। एक लैंग्वेज को लेकर चलिए ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो समझने के लिए। आप चीज़ों को हिंदी में समझ सकते हैं माइंड में, बट अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस लैंग्वेज को आप चूज किए हैं उसी लैंग्वेज में अपना तैयारी कीजिए, ठीक है, बेटर रहेगा। अब यहाँ पे बातें आता है जीएनएम फर्स्ट ईयर का, यह तीसरा वीडियो है इस सप्ताह में। तो आप लोग जानते हैं तीसरा वीडियो है, यानी थर्ड सब्जेक्ट का होगा। तो तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा पेपर हमारा होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, FON इसको शॉर्ट में कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। और आप लोग को पता है हम इसका पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट बी में फर्स्ट एड है, समझ गए ना, प्राथमिक सहायता है। और इसका हम लोग यूनिट एक कर चुके हैं, यूनिट टू जो है हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न जो है हम लोग फर्स्ट एड किट के बारे में देख चुके हैं, अब हम आगे इसमें देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। चैप्टर का नाम है टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर ऑफ फर्स्ट एड, मतलब फर्स्ट एड का प्रक्रिया और तकनीक क्या होता है उसके बारे में चैप्टर का नाम है, जो कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आज का प्रश्न हमें होने वाला है बैंडेजिंग के ऊपर, मतलब पट्टी बांधने के ऊपर, ठीक है। तो कंप्लीट देखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत भी आई है, यह क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ओके, देखने का प्रयास कीजिएगा। तो जो हमारा प्रश्न है वो आज है बैंडेज के ऊपर, यानी आपसे क्वेश्चन देखिए, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो सीधा पूछेगा कि पट्टी बांधने के नियम बताएं, पाँच नंबर में, ठीक है, पट्टी बांधने के नियम बताएं, जो कि आप लोग के सामने यहाँ पे है, पट्टी बांधने के सिद्धांत या नियम, ठीक है। प्रिंसिपल पूछे या रूल्स पूछे बैंडेज का, यानी बैंडेजिंग का, पट्टी बांधने का, तो ये है, ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन पाँच नंबर में पूछा जाता है कि पट्टी बांधने के सिद्धांत या फिर पट्टी बांधने के नियम बताएं। एक ये प्रश्न है, एक शॉर्ट में क्या पूछता है आपसे कि पट्टी बांधने के उद्देश्य बताएं, पर्पज बताएं पट्टी बांधने के, कि क्या क्या किन उद्देश्य के साथ पट्टी को बांधा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि बैंडेजिंग क्या है बताएं, तो उसमें आपको बैंडेजिंग के प्रकार और बैंडेज क्या होता है बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है मेरे डियर। और ये जो आप नर्सिंग पढ़ रहे हैं ना जीएनएम फर्स्ट ईयर में, सिर्फ दो सब्जेक्ट आप हटा दीजिए, बिहेवियर हटा दीजिए और बायोसाइंस हटा दीजिए, दोनों थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बायोसाइंस को भी हम हटा देंगे, क्योंकि बायोसाइंस टेंथ से ट्वेल्थ से पढ़े रहते हैं, तो वो भी हटा देते हैं। सिर्फ आपको एक नया लगता है बिहेवियर साइंस साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट लगता है। बाकी ये तीन सब्जेक्ट ऐसा है जो आप नहीं भी पढ़े रहिएगा ना, और क्वेश्चन को सामने देखिएगा तो अनुमान लगा के आप जो लिखिएगा उसमें से 50% बात सत्य हो जाएगा, सही रहेगा। तो थोड़ा दिमाग लगाने के ऊपर है, बाकी आप खुद से लिख सकते हैं, और अगर आप पढ़ लेंगे तो और बेटर तरीके से ही लिखेंगे। कैसे, चलिए, जैसे हमसे पूछ रहा है पट्टी बांधने के उद्देश्य को लिखिए, मतलब पर्पज ऑफ बैंडेजिंग, बैंडेजिंग का क्या उद्देश्य होता है, किन उद्देश्य के साथ हम बैंडेजिंग करते हैं, इसको हम लोग से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मेरे डियर, पटिया फ्लैनेल का, कलिको का, मसलिन का, कॉटन का, गौज का, आदि का बना होता है, मतलब ये जो पट्टी होता है ना, अब आप लोग देखते होइएगा पट्टी का इस्तेमाल ड्रेसिंग में करते हैं, घाव वगैरह कटे फटे में करते हैं, या फिर ड्रेसिंग में करते हैं, ठीक है ना, या फिर चोट लग जाए तो उसमें भी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पट्टी होता है, देखते होइएगा जिसको लपेट देते हैं चोट वाले स्थान पर, तो होता है कि पट्टी क्या करता है, उस जगह को जो मूवमेंट होता है, जो गति होता है, उसको कम कर देता है। और जब कोई चीज़ में गति कम होता है तो क्या होता है कि उसको रेस्ट मिलता है, और रेस्ट मिलने से चीज़ें ठीक होता है। तो ये जो पट्टिया होता है, ये जो बैंडेज होता है, यह फ्लैनेल का बना होता है, कैलिको का बना होता है, मसलिन का बना होता है, कॉटन का बना होता है, तो विभिन्न प्रकार के जो है एक कपड़ों से जो है यह बना होता है, ठीक है। ये शरीर के घायल भाग को सहारा देने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब पट्टी का क्या काम होता है, तो पट्टी का काम होता है कि शरीर में जहाँ भी आपका चाहे घाव हुआ हो, चाहे आप कोई भी क्षतिग्रस्त हुआ हो, घायल है, कुछ भी है, तो उसको सहारा देने के लिए बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है। मानिए आपके पैर में कट गया है, ब्लीडिंग आ रहा है, तो हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमेशा तो हाथ से दबा के नहीं ना रखेंगे, तो उस पर क्या करते हैं, ड्रेसिंग करके और ये पट्टी के द्वारा बांध दिया जाता है, पट्टी लगा दिया जाता है, जिससे
ब्लड सर क्या होता है, रुक जाता है। अगर आपका पैर में स्ट्रेन हुआ है, मोच पड़ा है, तो उसमें भी बैंडेज बांध देने से उस पैर का गति कम हो जाता है, पैर स्थिर रहता है, और कुछ दिन स्थिर रहने पर, रेस्ट मिलने पर वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो पट्टी का नॉर्मली यही काम है कि घायलों को सहारा देने के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है, या फिर घाव पर मरहम पट्टी करने, ड्रेसिंग करने, ठीक है ना, टूटी हुई हड्डियों को या फिर मोचों को जो है आराम दे लेने के लिए, शरीर के किसी भाग को आराम दिलाने के लिए पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मली पट्टी क्या होता है, आप लोग को समझना चाहिए कि पट्टी जो है फ्लैनेल से या फिर कालिको से, मसलिन से, कॉटन से, गौज से आदि चीज़ों से बने हुए एक जो है क्या होते हैं पट्टी जो होते हैं, यह घायल व्यक्तियों को सहारा दिलाने के लिए या फिर कटे फटे घावों को मरहम पट्टी करने के लिए या मोच वगैरह को जो है गति को कम करने के लिए, शरीर का जो है आराम दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो यही हमारा पट्टी होता है नॉर्मली समझे तो, ठीक है। अब इसका हमसे पर्पज उद्देश्य पूछ रहा है, तो मेरे डियर आप लोग खुद बताइए कि पट्टी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यही ना उद्देश्य होगा जिसके लिए जो है उपयोग किया जाएगा, वही उद्देश्य हो जाएगा। तो पट्टी का उपयोग जो है ब्लीडिंग को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो पहला पॉइंट उद्देश्य ये हो गया। पट्टी का अगला उपयोग या काम होता है कि जो भंग पड़ा हुआ, मतलब जो फ्रैक्चर है अंग में या जो स्ट्रेन मोच पड़ा है, उस जोर को सहारा देने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट है भंग अंग को इधर उधर हिलने झुलने से रोकने हेतु, मतलब सीधा कहा जाए कि जो फ्रैक्चर वाला भाग है, जो स्ट्रेन वाला भाग है, उसको इधर उधर हिलने डुलने से जो है रोकने के लिए यानी स्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पट्टी बांधने पर वह स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हताहत को उठाने या इधर उधर खिसकाने गति में सहायता देने के लिए। हताहत का मतलब होता है कि जैसे जो है घायल मरीजों को इधर से उधर करने के लिए, ठीक है ना, चाहे शरीर में किसी भी पार्ट जख्म हुआ हो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। संक्रमण से बचाने के लिए भी पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। घावों को तोपता है तो उस पर बाहरी चीज़ें पदार्थ नहीं लगता है जिससे संक्रमण बचता है, घावों को फैलने से रोकता है, सीमित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पट्टी का इस्तेमाल होता है। तो पट्टी का जो जो मैंने बताया, ब्लीडिंग को रोकता ही है, ठीक है, फ्रैक्चर को आराम दिलाता ही है, अंगों को स्थिर करके रखता ही रखता है, हिलने डोलने से बचाता ही है, ठीक है। साथ में इसका काम संक्रमण से बचाना भी है, ठीक है ना। इसका काम ये है कि जल्दी से जल्दी जो है घायलों को जो है क्या करना, ठीक करना, घावों को ठीक करना या कटे फटे जगहों को जल्दी से भरने का भी काम करता है। तो तमाम ऐसे इसका उद्देश्य हो सकता है पट्टी का। तो ये अपने मन से भी दिमाग लगा के लिखना पड़ता है, चीज़ों को समझ गए। चलिए उद्देश्य हो गया। तो जो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि पट्टी का क्या उद्देश्य होता है, तो सबसे पहले दो तीन लाइन पट्टी के बारे में लिख देंगे कि पट्टी क्या होता है, कहाँ यूज होता है, पट्टी किस चीज़ से बना होता है, पट्टी अलग अलग प्रकार के होता है, इसको भी लिखेंगे। और साथ में आपको लिखना पड़ेगा कि पट्टी का निम्नलिखित उद्देश्य है, बैंडेजिंग करने का, पट्टी बांधने का निम्न उद्देश्य हो सकते हैं, जो आपको जितना उद्देश्य मन में आ पाए 8-10 पॉइंट लिख दीजिएगा। मैं 4-5 पॉइंट बता के आपको एग्जाम्पल बता दिया हूँ, आप खुद से लिखिएगा, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि पट्टी बांधने के समान नियम और सिद्धांत, और यह क्वेश्चन मोस्ट VVI है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है फर्स्ट एड से, ठीक है, कि पट्टी बांधने के कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से नियम हैं बताएं, पूछता है। चलिए देखते हैं। तो मेरे डियर पट्टी बांधने के आपसे नियम पूछे या सिद्धांत पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए पट्टी बांधने के नियम या सिद्धांत निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हो भी सकते हैं, चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझ लेते हैं। ज़्यादा इसमें मकसद करने की बातें नहीं है, बस आपको मैं 12-13 पॉइंट बताऊँगा। यही 12-13 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पट्टी को क्या करते हैं, बांधते हैं, बैंडेज करते हैं, ठीक है। पहला है उचित साइज की पट्टी को चुने। अब मान गए हमारा घाव छोटा सा है और हम उसको बड़ा सा पट्टी से बैंडेज करेंगे, तो क्या वो सूटेबल होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एक उचित साइज का जो है पट्टी को चुनाव करना होगा। जब भी किसी का हम बैंडेजिंग करेंगे तो एक उचित साइज का पट्टी को चुनाव करेंगे। अब जानते हैं पट्टी अलग अलग साइज में आता है, ठीक है ना।
अब आप लोग देखते होइएगा कि थोड़ा सा अगर उंगली में चीरा उड़ा लग जाता है तो उसके लिए हम लोग हैंडी प्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वह भी एक प्रकार से पट्टी ही होता है, ठीक है। तो वह सबसे छोटा पट्टी हो जाता है, उससे और आगे जाइएगा धीरे धीरे तो और सारे पट्टी मिलते हैं। तो उचित आकार के हमें सबसे पहले पट्टी का चुनाव करना होगा किसी को अगर हम पट्टी बांधने चलेंगे तो, ठीक है। दूसरा है, बीमार को आरामदायक स्थिति में रखें। अब मान गए आप पट्टी बांधेंगे, ठीक बात है, आप ड्रेसिंग करेंगे पट्टी उसको बांधेंगे, ये सही बात है, बट ऐसा नहीं है कि आप पट्टी बांधें और दूसरे को और ज़्यादा पेन दे और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहले बीमार जो होगा उसको क्या करेंगे, या जो घायल ग्रसित होगा उसको आरामदायक स्थिति देंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि पेशेंट को आराम भी मिलेगा और हम पट्टी भी आराम से लगा देंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, देखिएगा, घायल जब बैठा हुआ या लेटा हुआ हो तो तब पट्टी का उपयोग में लाए। अब ऐसा नहीं है कि घायल खड़ा है, खड़े खड़े उसको जो है पट्टी का इस्तेमाल कर देंगे, खड़े खड़े उसको पट्टी लगा देंगे। सबसे पहले पट्टी का इस्तेमाल तब करेंगे जब घायल व्यक्ति जो है बैठा हुआ हो या लेटा हुआ हो, तब जाके उसको जो है हम पट्टी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है, विष संक्रमित और साफ सामान का उपयोग में लाए। अब पट्टी में हम जो जो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे पट्टी लगाने में, तो उस बैंडेजिंग करते समय जितने भी सामान का यूज करेंगे सब बिल्कुल स्टरलाइज होगा, बिल्कुल विष संक्रमित होगा, मतलब संक्रमण से मुक्त होगा, फ्रेश होगा चीज़ें, तो ऐसा ही सामान का उपयोग करेंगे, इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। पट्टियों को ज़्यादा कसकर ना बांधें कि रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होए। अब बहुत लोग क्या करते हैं मेरे डियर, कि पट्टी को बहुत कस के बांध देते हैं, तो कभी भी ड्रेसिंग करेंगे तो ये चीज़ का ख्याल रखेंगे कि पट्टी को ज़्यादा कस कर नहीं बांधेंगे, नहीं तो इससे होगा क्या कि आगे का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा ना वो टाइट बांधे होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा या पूर्णतः बाधित भी हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ओके। पट्टियों को नहीं इतना ढीला बांधे कि वह घाव की जगह से खिसक जाए। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पट्टी बांधते समय न पट्टी को ज़्यादा टाइट बांधेंगे, ठीक है, और न पट्टी को ज़्यादा लूज बांधेंगे। पट्टी को इतना ज़्यादा ढीला भी नहीं बांधेंगे कि वह जो है घाव वाले या घायल वाले जगह से हट जाए, खिसक जाए, क्योंकि ज़्यादा ढीला अगर हम बांधेंगे बैंडेज तो खिसक जाएगा अपने स्थान से, वह घाव को छोड़ देगा, तो ये चीज़ें हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पूरे घाव को ठीक तरह से ढक दे। अब होता है कि बहुत लोग बैंडेज करने जाते हैं ना, तो देखते होइएगा कि आधा जो है उसके घाव वाले आसपास के जगह दिखता ही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो सबसे पहले उपयुक्त तो साइज का आपको बैंडेज लेंगे, जब बैंडेज आप अच्छे आकार का ले लेंगे तो ऑटोमेटिक जब आप उसको बैंडेजिंग करेंगे तो उसको पूरे जो है घाव के आकार को क्या करेगा, अपने अंदर वो ले लेगा। तो आपको बैंडेज करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पूरे घाव को ठीक तरह से ढकना है, ओके, घाव हो या कटा फटा कुछ भी हो। पट्टी बांधते समय घाव के आसपास का क्षेत्र का भी साथ में लेना चाहिए। मैंने क्या बताया कि बहुत लोग क्या करते हैं कि घाव जहाँ तक रहता है सिर्फ उतना ही तक उसको बहुत ज़्यादा मोटा करके बांध देते हैं और उसके आसपास के जगहों को छोड़ देते हैं, तो इससे होता यह है कि आसपास के जगहों पर संक्रमण होगा और वह संक्रमण घाव में प्रवेश कर जाएगा। तो जब भी हम बैंडेज करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे कि घाव सहित उसके आसपास के जगहों को भी पट्टी से ढक देंगे, ठीक है ना, तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नौवां पॉइंट है, पट्टी करते समय जब बाएं साइड की पट्टी करे तो पट्टी के रोल को दाहिने हाथ में ले, और जब दाहिने साइड की पट्टी करे तो पट्टी के रोल को बाएं हाथ में पकड़े। इसका कहने का मतलब है कि जब हम पट्टी कर रहे होते हैं तो अगर मान गए हम हाथ में किसी को पट्टी कर रहे हैं, अगर हम किसी को दाहिने हाथ में पट्टी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि रोल को अपने जो है पॉजिटिव हाथ में रखेंगे, ठीक है ना। यानी पट्टी करते समय बाय साइड के पट्टी अगर करना है तो पट्टी के रोल को हम दाहिने हाथ में रखेंगे ताकि ईजी होगा हमें उसके अपोजिट साइड में करने पर। उसी प्रकार से अगर हम राइट साइड में किसी को अगर बैंडेज करेंगे तो हम अपने लेफ्ट हैंड में पट्टी के रोल को रखे रहेंगे। तो ये टेक्निक होता है और यह टेक्निक आपको देखता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब नियम एक सिद्धांत होता है, ओके। दसवा पॉइंट मेरे डियर, देखिएगा, पट्टी पर सदा दोहरी गांठ लगाए। अब जब भी पट्टी लास्ट होगा, पट्टी को जब आप बांधने चलेंगे लास्ट में, तो पट्टी पर सिंगल गांठ कभी भी लगा के नहीं छोड़ेंगे, वह खुल सकता है, तो इसके लिए पट्टी पर सदा दोहरी गांठ लगाएं, ओके। अंगों और हड्डियों के बीच वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पैड का इस्तेमाल करें। अब अंगों और हड्डी के बीच वाले क्षेत्र में, अब देखिए
ऐसा जगह जहाँ पे हड्डी हो, ठीक है ना, और वहाँ पे ऑर्गेन हो, तो उसके जो है ज़्यादा जो है पैड का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उस अंग वाले जगह पर और हड्डी वाले जगह पर, अगर मान गए हड्डी पर कोई प्रॉब्लम है तो उस हड्डी पर ज़्यादा पैड, मतलब ज़्यादा मोटा करेंगे, ज़्यादा लपेटेंगे, ठीक है। और अंग है, कोई ऐसा अंग है तो उस अंग के पास में भी हम पैड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों के नाखूनों को पट्टी से बाहर रखें ताकि रक्त प्रवाह की जांच बराबर की जा सके। अब मान गए अगर आपको हाथ के उंगली को करना है या पैर में जो है आपको क्या करना है, बैंडेजिंग करना है, पट्टी बांधना है, तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि कम से कम पैर और हाथ के उंगली को थोड़ा सा थोड़ा जो है ज़रूर छोड़ कर रखें। क्यों? ताकि पता चले कि रक्त प्रवाह जो है अच्छे से हो रहा है पट्टी बांधने के बाद भी। अगर आप जो है ढक देंगे, आप पूरे नाखून सहित जो है आप ढक देंगे हाथ या पैर में, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा, और मान गए वह अगर टाइट बंधा होगा तो ब्लड भी सर्कुलेशन नहीं हो रहा होगा, तो उससे आगे प्रॉब्लम हो जाएगा पेशेंट को। तो जब भी हम बैंडेज करेंगे हाथ या पैर में, तो हल्का हल्का उंगलियों को छोड़ कर जो है बाहर रख कर जो है बैंडेज करेंगे, ठीक है, समझ गए। 13 नंबर है, पट्टी किए गए अंग के किसी भी नाखून को दबाएं जब तक ये सफ़ेद नहीं हो जाता। उचित रक्त प्रवाह में नाखून फौरन लाल सा दिखने लगता है। यदि दबाव खत्म करते ही यह सफ़ेद और नीला रह जाता है तो समझ जाना चाहिए कि पट्टी अधिक कसकर बांधी गई है, और यदि उनमें स्पंदन न हो तो भी समझना चाहिए कि पट्टी अधिक कसकर बांधी गई है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है, अगर मैं हाथ और पैर में पट्टी बांध दूँ किसी को, तो हमें थोड़ा सा हाथ का उंगली या पैर का उंगली जहाँ भी बंधा हो थोड़ा सा खुला रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जांच सके कि व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन सही चल रहा है पट्टी बांधने के बाद भी, क्योंकि बहुत लोगों को पट्टी कस के बांध देने के बाद जो है ब्लड सर्कुलेशन वहां का धीरे धीरे रुकने लगता है। क्यों? क्योंकि पट्टी बहुत ज़्यादा कस के बांधा गया है, और उस कंडीशन में अगर हाथ और पैर का उंगलियों को बाहर नहीं रखा गया है तो लोग जाँचते भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उससे पेशेंट को दिक्कत हो जाता है। तो हम 13 पॉइंट यही कहता है कि पट्टी जिस भी अंग में किए हैं, चाहे पैर में हो हाथ में हो, वहाँ के उंगलियों को कस कर दबाएंगे। चूंकि हम लोग 12 पॉइंट में ही देख लिए हैं कि उंगलियों को थोड़ा सा खोल कर रखेंगे, आगे रखेंगे पट्टी से, तो हम उसको जांचेंगे, ठीक है। 13 पॉइंट यही कहता है कि जिस भी अंग में पट्टी लगाए गए हो उसके नाखूनों को कस कर दबाएं। अब आप लोग खुद अपने उंगलियों को कस कर दबाइएगा, तो दबाने के बाद होता क्या है देखते होइएगा, दबाते समय तो एकदम व्हाइट हो जाएगा। जब आप अपने नाखून को, पैर या हाथ के उंगली के नाखून को आप कस कर दबा के रखते रहते हैं तो व्हाइट हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो फौरन से लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, चल रहा है, चूँकि जताने के बाद ब्लड प्रेशर पड़ता है तो ब्लड वहाँ से हटता है, लेकिन जैसे ही छोड़ने के बाद रिलीज हो जाता है, जगह मिल जाता है और ब्लड संपूर्ण में फैल जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सही है। लेकिन अगर पट्टी कस के बंधा होगा तो अगर आप दबा रहे हैं, दबा के छोड़ भी देंगे, फिर भी वह व्हाइट और नीला ही रहेगा, सफ़ेद व नीला ही रहेगा। तो यह क्या बताएगा? यह ये बताएगा और आपको ये समझना चाहिए कि पट्टी कस कर बंधा गया है, यही कारण है कि दबाने के बाद व्हाइट हो रहा है और वह व्हाइट ही रह जा रहा है या नीला ही रह जा रहा है। नीला क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, तो नीला होगा ही होगा। तो यही 13 पॉइंट आपका क्या हो गया, पट्टी बांधने के अच्छी अच्छी बातें हो गई, और यही अच्छी अच्छी बातें जो है आपको एक नियम और सिद्धांत बना देता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। देखिए सीधा समय लॉजिक बताता हूँ आपको, किसी भी चीज़ का आपको सिद्धांत पूछ ले, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में सिद्धांत पूछे, तो आपको एक चीज़ सिर्फ ध्यान में रखना है कि सिद्धांत के मतलब होता है कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है, अच्छी अच्छी बातों को, और जो जो अच्छी अच्छी बातों को ध्यान में हम रखेंगे लिखेंगे वही उसका सिद्धांत होता है। ठीक उसी प्रकार से बैंडेज बांधने में भी आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जो किसी भी पेशेंट के बैंडेज बांधने में अच्छा हो, तो वही आपका क्या हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है। तो मैंने यहाँ आपको 13 पॉइंट बताया, आप चाहें तो बैंडेज बांधने के और सारे अच्छी अच्छी बातों को लिख सकते हैं और इसे 20 पॉइंट तक ले जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर पड़ता है, एक कोई फिक्स नहीं है कि 13 पॉइंट ही जो है बैंडेज बांधने का होता है, या 10 पॉइंट नहीं हो सकता है, या 20 पॉइंट नहीं हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर 5 नंबर में पूछेगा तो मैं इतना 13 पॉइंट बता दिया हूँ जो 5 नंबर के लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए
अब एक क्वेश्चंस आपसे आते हैं, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, बैंडेज क्या होता है, बैंडेज के प्रकार लिखे। तो मेरे डियर, बैंडेज तो ऊपर बता दिए कि ये फैलानेल का बना हुआ, ग्वाज का या कॉटन का या अदरवाइज कोई भी चीज़ का बना हुआ आदि चीज़ों का यह बैंडेज होता है। बैंडेज जो है व्यक्ति के घायल को स्थिर करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए बैंडेजिंग किया जाता है। ये बैंडेज जो है आपके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उसमें से दो प्रकार होते हैं, और वो दो प्रकार जो है आपको, एक होता है रोलर बैंडेज और एक होता है ट्रायंगुलर बैंडेज, मतलब त्रिकोणी पट्टी। तो ये दो पट्टी मुख्यतः हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैंडेज पट्टी, रोलर बैंडेज के बारे में, और इसके बाद वाला जो एक वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ लेंगे ट्रायंगुलर बैंडेज के बारे में, ठीक है, त्रिकोणी पट्टी के बारे में। तो चलिए आज हम लोग जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर 10 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो कैसे पूछेगा, 10 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो कहेगा बैंडेज के उद्देश्य लिखे, बैंडेजिंग का उद्देश्य लिखे, बैंडेजिंग का समान नियम लिखे और बैंडेजिंग का प्रकार लिखे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर पूछेगा तो सीधा 10 नंबर में पूछ लेगा, समझ गए ना चीज़ को, जोर जोर के क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए रोलर बैंडेज को देखते हैं। मेरे डियर, रोलर के मतलब क्या होता है, गोलाकार, गोल, रोलर, ठीक है ना, गोल पट्टी। मेरे डियर, रोलर पट्टियाँ गौज का, कॉटन का, फलानेल का, बहुत सारे चीज़ों का जो है बने हो सकते हैं यह बैंडेज। जो रोलर के रूप में बनी होती है, जो क्या होता है, रोलर के रूप में बना हुआ होता है, आप लोग आगे देखिएगा, यह रोलर के रूप में बना हुआ होता है, ठीक है। ये पट्टियाँ 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आदि लंबे के पट्टी में आते हैं, मतलब इसका लंबाई जो है इतना होता है, 5 से 7.5, 10, 12.5, 15, 20 सेंटीमीटर आते हैं इसके लंबाई, ठीक है, जो पट्टी होते हैं। और ये चौड़ाई में 1 इंच का होता है, मान गए जो 5 सेंटीमीटर का होगा उसका चौड़ाई 1 इंच होगा, जो 7.5 सेंटीमीटर का होगा उसका चौड़ाई 2 होगा, जो 10 का होगा उसका 3 होगा, जो 12.5 का होगा 4 होगा, जो 15 का होगा 5 होगा, जो 20 का होगा वो 6 इंच का चौड़ाई का होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए ये हो गया, 1 से 6 इंच तक है ना, तो वही चीज़ को विभिन्न विभिन्नताओं में, मतलब डिफरेंट में ये पाया जाता है। इस उद्देश्य से कि शरीर के एक छोटे से अंग से लेकर पूरा शरीर आवश्यकता पड़ने पर ढक जाए। देखिए बैंडेज इसी साइज में अलग अलग इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारे शरीर में घाव अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, बड़ा होता है, छोटा होता है, बहुत गहरा होता है। तो बैंडेज का इस्तेमाल उसी प्रकार से किया जाता है, जो जितना घाव बड़ा हो उतना ही बड़ा बैंडेज के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बैंडेज जो है जितना ज़्यादा घाव होता है उतना ज़्यादा बैंडेज लेते हैं, और यह आवश्यकता पड़ने पर सभी को आराम से ढक देता है जितना हमें ज़रूरत आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यही हमारा रोलर बैंडेज होता है, ठीक है। ये रोलर के शेप में होता है इसीलिए इसे रोलर बैंडेज कहा जाता है। यह साधारण तथा इस्तेमाल से पहले विसंक्रमित या एसेप्टिक से सशक्त हुई, ड्रेनेज हुई रहती है, मतलब ये जो पट्टियाँ होती है ना, रोलर बैंडेज हो, यह पट्टियाँ क्या होती है कि बांधने से पहले ये जो पैकिंग आती है तो यह बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक का होती है, मतलब इसमें कोई संक्रमण नहीं होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये जो पट्टियाँ होती है यह फैलानेल का, कैलिको का, सीज क्लोथ का, मतलब ढीला ढाला बना हुआ कपड़ा का बना हुआ होता है, ताकि धोकर दोबारा आराम से जो है इसे क्या किया जा सके, इस्तेमाल में लाया जा सके। तो यही आपका रोलर बैंडेज है, आप आराम से इसको देख लीजिए, यही रोलर बैंडेज होता है, आप लोग इसको देखे होंगे कहीं भी या इस्तेमाल किए भी होंगे। यही जो है अलग अलग प्रकार से इसका जो है, ये तो लगभग बड़ा वाला रोलर बैंडेज है, लेकिन ये छोटा वाला भी आता है, ठीक है, बड़ा वाला भी आता है, मीडियम वाला भी आता है, तो सब आकार में यह उपस्थित होता है, ठीक है, लेकिन यह आकार इसी प्रकार से रोलर शेप में होता है इसीलिए इसे रोलर बैंडेज कहा गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको रोलर बैंडेज के बारे में बता दिया, अब आपको इसको जो है अच्छे से बैंडेज को पढ़ना है। बैंडेज का मात्र एक क्वेश्चन बच गया है, वह है ट्रायंगुलर, ठीक है ना, ट्रायंगुलर त्रिकोणी पट्टी, जिसको हम लोग आगे के वीडियो में कर लेंगे। और इस प्रकार से चाहे आपका बैंडेज के प्रकार पूछ दे, रोलर और ट्रायंगुलर, बैंडेज का उद्देश्य पूछ दे, बैंडेज का बांधने, बैंडेजिंग करने का नियम पूछ दे, तो ये सब के सब मैं आपको बता दिया, अब आपको अच्छे से इसको डिस्कस कर लेना है, ओके। जितने भी इंग्लिश वाले हैं यहाँ पे, इंग्लिश आपको अब टोटल इंग्लिश ही दिया गया है एक साइड, तो आप लोग इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, रूल्स वगैरह टोटल चीज़ जितना ऊपर हिंदी में है सब नीचे इंग्लिश में दिए गए हैं, तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद, टेक केयर माई डियर।